गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। अभी हमारे PT2 एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं और अब हम आवर पास्ट चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने आवर पास्ट के 1 to 5 चैप्टर पहले कंप्लीट कर चुके हैं और टुडे नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन। आप उम्मीद है वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट वुड ए ट्रैवलर विजिटिंग ए मेडिवियल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड? क्या एक मध्ययुगीन नगर, यानी कि जब हम मेडिवियल टाउन, एक नगर के बारे में इसमें बात करेंगे जिसकी आप यात्रा करने, एक यात्री है जो यात्रा करने के लिए जा रहा है, और क्या लगता है, क्या एक्सपेक्ट है, क्या आकांक्षा है आपकी, आपको वहाँ क्या मिलेगा, कैसी आकांक्षा रखते हैं आप? अगर किसी शहर की आप यात्रा करने जाते हैं, किसी सिटी की आप यात्रा करने जाते हैं, तो आप क्या उम्मीद लेके जाते हैं कि आप उस शहर में क्या देखेंगे, क्या क्या खाएंगे, कैसे घूमेंगे? तो ऐसे ही हम एक मेडिवियल टाइम के बारे में रीड करेंगे यहाँ की, जो 1000 ईयर एगो पहले किस प्रकार के टाउन होते थे, जो एक ट्रेवलर था वो विजिटिंग करने वहाँ जाता था तो क्या उम्मीद रखता था कि वहाँ क्या क्या मिलेगा। दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ए टाउन इट वाज। तो ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो टाउन किस प्रकार का है। इट वाज एक कैसा था, ए टेम्पल टाउन था, एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ए कमर्शियल टाउन और ए पोर्ट टाउन, टू नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटी। तो इस प्रकार आप ये समझ ही गए होंगे कि जो टाउन के हैं, जैसे टेम्पल टाउन, या जिस टाउन के अंदर ज़्यादा टेम्पल हों, ज़्यादा मंदिर बनवाए गए हों, या वो शहर जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के निवास स्थान हैं, या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ से चलाया जाता है। कमर्शियल टाउन यानी कि जिस शहर से लेन देन किया जाता है, व्यापार किया जाता है। पोर्ट टाउन यानी कि जहाँ से शिप के द्वारा ट्रेड किया जाता है, उसको पोर्ट टाउन बोलते हैं। तो उसके नाम से ही हमें पॉसिबिलिटी ही नज़र आ रही है। इनफैक्ट वास्तव में मैनी टाउन कम्बाइंड सेवरल फंक्शन। तो कई ऐसे शहर हैं जिसमें सभी काम एक साथ किए जाते हों, एक साथ अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हों, जैसे कि देवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जैसे कि एक शहर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी किया जा सकता है, टेम्पल टाउन भी हो सकता है, एज वेल एज सेंटर ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटीज भी वहाँ से की जाती है, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी वहाँ से किया जाता है। तो आज एट प्रेजेंट में हम बात करें, जैसे बम्बई शहर है, वहाँ बहुत बिजी शहर है, तो वो कमर्शियल शहर भी है, वहाँ टेम्पल भी बहुत सारे पाए जाते हैं। ऐसे जैसे एक दिल्ली शहर है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर शहर बोल सकते हैं। तो इस प्रकार मेडिवियल टाउन के बारे में ये बात कर रहे हैं हम आज एट प्रेजेंट के टाइम की नहीं। तो हम ये मैप पर देखते हैं कि मेडिवियल टाइम में जो मेन सेंटर थे, शहर थे, वो कौन कौन से थे। जैसे ये वृंदावन, पुष्कर, अजमेर, ये राजस्थान के अंदर, ये यूपी के अंदर वृंदावन, अहमदाबाद गुजरात के अंदर, सोमनाथ टेम्पल गुजरात के अंदर, सूरत, बेरर, बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर, बीतर, बीजापुर, ये एमपी, ये जो सूरत दे रखा है ये मेन सेंटर था, मसूलीपट्टनम था, ये पोर्ट सेंटर है, ये हम्पी, यहाँ से ट्रेड किया जाता था अदर कंट्री के साथ, जो मेन बॉक्स में बना रखे हैं दी स्टेट, कांचीपुरम, त्रिपुति, ये मद्रास, तंजावुर, ये सब साउथ के शहर हैं जहाँ पर ज़्यादातर टेंपल पाए जाते हैं। तो इन्हीं से कुछ शहरों के बारे में हम आगे डिटेल से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, प्रशासनिक सेंटर कौन कौन से हैं, इनमें हम एक तंजावुर शहर के बारे में या टाउन के बारे में यहाँ रीड करेंगे। यू रीड अबाउट द चोल डेंसिटी इन चैप्टर 2। हम चोल डेंसिटी के बारे में चैप्टर 2 में रीड कर चुके हैं, ट्रैवल इन आवर इमेजिनेशन ऑफ टू तंजावुर। तो आज हम यात्रा करते हैं कौन से शहर की, तंजावुर शहर की।
ये साउथ है, इंडिया के अंदर साइड में है, तो हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि हम तंजावुर शहर की यात्रा करते हैं। द कैपिटल ऑफ द चोल्स, तंजावुर किसकी कैपिटल है? चोल्स की। एज इट वॉज 1000 ईयर हो गई, ये कितने सालों पहले की बात कर रहे हैं हम, 1000 साल पहले की। तो इस प्रकार जो हम 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम रीड करेंगे अब, प्रीनेलियल रिवर कावेरी फ्लो नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। ये जो तंजावुर सुंदर शहर के नज़दीक कावेरी रिवर है, जो हमेशा बहने वाली सदा नीरा जिसको बोल सकते हैं, हमेशा बहने वाली कावेरी रिवर यहाँ से बह रही है। कहाँ से? तंजावुर के आसपास। हम कौन से शहर की बात कर रहे हैं? तंजावुर शहर के। कैपिटल किसकी है? तंजावुर सोल्स की 1000 पहले थी, तो उसके आस पास इसके नियर अबाउट ये कावेरी रिवर फ्लो कर रही है। वन हीयर्स द बेल ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल। अभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो राजा राजेश्वर टेम्पल है वो कहाँ है? तंजावुर के अंदर है। तो वहाँ मंदिर के अंदर बजने वाली घंटियाँ भी सुनाई रही है, सुनाई दे रही है। बिल्ड बाई किंग राजा राजा चोल, जो राजा राज चोल थे उनके द्वारा राजेश्वर राजा राजेश्वर टेम्पल बनाया गया था। द टाउन पीपल टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुजर मलन राज राज पेरुथचन। तो ये उस कलाकार का नाम है जिसके द्वारा, जिस कलाकार के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। तो उस कलाकार ने अपना नाम, आर्किटेक्चर ने अपना नाम, प्राउडली क्राउड इज नेम, यानी कि गर्व से उसने अपना नाम उत्कीर्ण कर दिया, लिख दिया ऑन द टेम्पल वॉल, जो दीवार थी मंदिर की उस पर अपना नाम उत्कीर्ण कर दिया। इन साइड द मासिव शिवालिंग, और मंदिर के अंदर, कौन से मंदिर के अंदर? राजा राजेश्वर टेम्पल के अंदर एक बड़ा विशाल शिवलिंग रखा हुआ है अंदर। बाहर तो सुंदर बना हुआ है, और बाहर जो आर्किटेक्चर था उसके द्वारा अपना नाम भी लिखा हुआ है, और मंदिर के अंदर शिवलिंग है बहुत बड़ा सा। तो ये कहाँ, कौन से मंदिर की बातें कर रहे हैं अब हम? राजा राजेश्वर टेम्पल। कहाँ पर है ये? तंजावुर शहर के अंदर है। तंजावुर के नियर कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? कावेरी रिवर फ्लो कर रही है। तो किसके द्वारा बनाया गया था? राजा राजे चोल, या फर्स्ट हम कह सकते हैं। और जो मंदिर है, जो डिजाइन बनाया था, वो कौन से आर्किटेक्चर का था? कुंजर मलन राज राजा फेरू थच्चन, ये याद नाम रखने बेटा। बिसाइड द टेम्पल्स देर आर प्लेसेस विद मंडप्स और पेवलियंस। तो इसके मंदिर के आसपास राजमहल बनाए गए थे, और राजमहल के अंदर मंडप्स बनाए गए थे, और किंग्स होल्ड कोर्ट इन दिस मंडप्स, जो मंडप बनाए गए थे राजमहल के अंदर, इस मंडप्स में राजा दरबार लगाते थे। क्या लगाते थे? दरबार लगाते थे, और इशूइंग ऑर्डर टू देयर सबॉर्डिनेट्स, और अपने जो उसके सबॉर्डिनेट होते थे, उत्तराधिकारी होते थे, उनको ऑर्डर देते थे, आदेश देते थे। देर आर आल्सो बैरक फॉर आर आर्मी, तंजावुर में उन्होंने आर्मी के लिए, सेना के लिए बैरक बनाई गई थी वहाँ पर, सैन्य, जिसको हम सैन्य शिविर बोलते हैं। तो हम कौन से शहर की बातें कर रहे हैं? तंजावुर शहर की बातें कर रहे हैं। टाउन इज बसलिंग विद मार्केट्स सेलिंग ग्रेन स्पाइस क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। हम एक शहर की बात कर रहे हैं तंजावुर शहर, जो चहल पहल से भरा हुआ है, वहाँ की मार्केट है। क्या है मार्केट में? क्या सेलिंग कर रहे हैं? अनाज, स्पाइसेस, मसाले, क्लोथ्स, कपड़े और ज्वेलरीज, आभूषण बिक्री हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं इस मार्केट के अंदर। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन, जो पानी की आपूर्ति की जाती है वो कहाँ से आती है? वेल्स एंड टैंक्स। ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, जो तंजावुर शहर है वहाँ की जो वाटर सप्लाई है किसके द्वारा की जाती है, पूछा गया एक्सरसाइज के अंदर। द सालिया वीवर्स ऑफ तंजावुर, तंजावुर शहर के जो बुनकर हैं, कौन से बुनकर खास कर? सालिया बुनकर्स। कौन से बुनकर की बात कर रहे हैं हम? सालिया बुनकर्स की बातें कर रहे हैं। एंड द नियर बाई टाउन ऑफ द उरेयूर, जो उसके नज़दीक का शहर है उरेयूर, तंजावुर के आसपास दूसरा शहर है उरेयूर, आर बिजी प्रोड्यूसिंग, वो बिजी रहते हैं कौन सा कपड़ा प्रोड्यूस करने में? द फॉर द फ्लैग टू बी यूज इन टेम्पल फेस्टिवल, जो मंदिर के ऊपर लगा होता है झंडा, उस झंडे को बनाने वाले कपड़े को प्रोड्यूस करते हैं, कौन से शहर के? उरेयूर के अंदर। फाइन कॉटन फॉर द किंग, और राजा के लिए अच्छे कॉटन के कपड़ों को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एंड नोबिलिटी, उसके अधिकारियों के कपड़ों की। कोरास कॉटन फॉर द मासी, जनता के लिए मोटे कॉटन, मोटे सूती कपड़े का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सम डिस्टेंस अवे एज स्वामी मलाई, कुछ ही दूरी पर जो स्वामी मलाई है उसके अंदर
सतपति और स्कल्पचर्स, सतपति और जो मूर्तिकार हैं, मेकिंग एग्जीक्यूसाइट्स ब्रोंज आइडल्स एंड टॉल, जो ब्रोंज की कांस्य मूर्तियां बनाने, जो कांस्य मूर्तियां बनाते हैं, और लंबे ऑर्नामेंटल बेल्स और जो आभूषण बनाते हैं, मंदिर की घंटियां बनाते हैं या मेटल लैंप बनाते हैं, वो सभी कारीगर या मूर्तिकार स्वामी मलाई में रहते हैं। तो यह ध्यान देना बेटा, जो तंजावुर शहर की बात हम कर रहे हैं, वह मार्केट थी, उसमें क्या क्या सेलिंग होता था, ग्रेन, स्पाइस, क्लॉथ, ज्वेलरी, जो वाटर सप्लाई होता था वो वेल से टैंक से होता था, और ये इसके आसपास जो नियर एवरेयर सिटी है वहाँ से जो फ्लैग का क्लोथ होता उसको प्रोड्यूस किया जाता था। फाइन कॉटन होती थी, किंग के लिए होती थी, उसकी नोबिलिटी के लिए होती थी, और कोरास जो कॉटन होता था वो मासिस के लिए होता था। ओके स्टूडेंट्स, टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर, जो टेम्पल टाउन है या जो मंदिर के नगर हैं वो तीर्थ सेंटर कैसे बने। तंजावुर इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेम्पल टाउन, तंजावुर को एक मंदिर नगर का उदाहरण कह सकते हैं। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी नगरीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरूप हो सकता है, पैटर्न हो सकता है। द प्रोसेस बाई विच सिटीज डेवलप्स, जो प्रोसेस है उसके द्वारा, जो नगरीकरण की प्रोसेस है, शहर डेवलप हुए। टेम्पल वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, जो मंदिर बनाए गए हैं वो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि उसके आसपास रहने वाला समाज और जो अर्थव्यवस्था वहाँ की वो मजबूत होती है। रूलर बिल्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशंस टू वेरियस डीटीज, तो जो शासक होते थे वो मंदिर बनाते थे अपने देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव को दर्शाने के लिए, यानी कि जिस भगवान के अंदर वो विश्वास करते थे तो उसी भगवान का मंदिर बनवा देते थे। कौन? रूलर्स। दे आल्सो डोव्ड टेम्पल विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट एलेबोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स, प्राइसेस्ट एंड सेलिब्रेट्स फेस्टिवल, जो पैसा मंदिर के अंदर आता था, जो मंदिरों को भूमि और धन मिलता था, जमीन दान में मिलती थी, उस धन और जमीन की सहायता से, उसी आय से जो रिचुअल होते थे, रीति रिवाज होते हैं, अनुष्ठान होते हैं मंदिर के अंदर, वो किए जाते थे। पिलग्रिम्स फीड्स, जो तीर्थयात्री आते थे उनके लिए खाना तैयार किया जाता था। पुजारियों और सेलिब्रेट फेस्टिवल, और जो त्यौहार होते थे उनको सेलिब्रेट करने के लिए वो पैसा लगाया जाता था। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल आल्सो मेड डोनेशन, तीर्थ यात्रा पर आने वाले यात्री भी कई बार मंदिरों के लिए क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब ये जो आपको पिक्चर दिख रही है तो ये क्या है, ब्रोंज मेटल पिक्चर है, कैसे इसको बनाया जाता था इसके बारे में यहाँ टेक्निक बताई गई है। इसको बोलते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक, क्या बोलते हैं इसको, लोस्ट वैक्स टेक्निक। ये कैसे बनती थी ये बताया गया है। ब्रोंज इज एन अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन, अब सबको पता होगा ब्रोंज किन दो मेटल से मिलकर बनी है, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन। बेल मेटल कंटेन ए ग्रेटर प्रॉपर पोर्शंस ऑफ टिन देन अदर काइंड ऑफ ब्रोंज, यानी कि दूसरी ब्रोंज से बनने वाली वस्तुओं की बजाय जो घंटी बनाई जाती है उसके अंदर टिन की जो मात्रा वो ज़्यादा होती है, और दिस प्रोड्यूस ए बेल लाइक साउंड, जो से जो आवाज़ निकलती है बेल की घंटी की वो टिन की ज़्यादा प्रोपोर्शन होने के कारण होती है। चोल ब्रोंज स्टैचूज, हम चैप्टर सेकेंड में इसके बारे में रीड कर चुके हैं अच्छी तरह से, ये बनाए कैसे पिक्चर इसके बारे में हम या टेक्निक रीड कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स, जो मूर्ति है वैक्स की, मोम की बनाई जाती है। दिस वाज कवर्ड विद ए क्ले, फिर इसको एक मिट्टी से ढक दिया जाता है, मोम की बना के और उसको मिट्टी से कवर किया जाता है, एंड अलाउड टू ड्राई, उसके बाद इसको सूखने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट, इट जब ये सूख जाती है तो इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। टीनी होल वाज मेड इन द क्ले कवर, जो मिट्टी का कवर है उसके अंदर एक छोटा सा होल बनाया जाता है, छिद्र बनाया जाता छोटा सा, और जो मोल्टन वैक्स वाज ड्रेन, गर्म होने के बाद जो अंदर का वैक्स है, मोम है, वो पिघल जाता है और उस होल के द्वारा बाहर निकाला जाता है।
देन मोल्टन मेटल वाज प्योर इन टू द क्ले, जिस छोटे से होल से हमने मोम को बाहर निकाला था उसी होल से जो मोल्टन मेटल है पिघला हुआ धातु है उसको उसके अंदर डाल देते हैं, जो मिट्टी की मूर्ति बनी है उसके अंदर डाल देते हैं। वंस द मेटल कूल्ड, जब वो मेटल ठंडा हो जाता है सोलिडिफाइड होता है ठोस हो जाता है, तो क्ले कवर वाज केयरफुली रिमूव्ड, जो ऊपर की क्ले होती है मिट्टी होती है उसको सावधानी से रिमूव कर देते हैं, हटा दिया जाता है। द इमेज वाज क्लीन एंड पॉलिश, उसके बाद मूर्ति को क्लीन साफ करके पॉलिश की जाती है। इस प्रकार से ये जो ब्रोंज की पिक्चर है ये बनाई गई है, ये टेक्निक है कि इस टेक्निक से बनाया गया। टेम्पल अथॉरिटी यूज देयर वेल टू फाइनेंस, जो टेम्पल अथॉरिटी है यानी कि जिसका अधिकार है मंदिर पर, वो जो पैसा मंदिर के अंदर आता है उसका प्रयोग फाइनेंस ट्रेड के लिए और बैंकिंग के लिए करते हैं। कौन करती है? अथॉरिटी, जिसको टेम्पल की अथॉरिटी मिली है। ग्रेजुअली लार्ज नंबर ऑफ प्राइस, जो ज़्यादा नंबर में ज़्यादा संख्या में वहाँ के पुजारी हैं, वर्कर हैं, आर्टिसियन हैं, ट्रेडर्स हैं, इन सब ये पैसे का लेन देन करते हैं। सेटल नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड्स एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स, इस प्रकार जो ये सभी काम करने वाले मंदिर, ये मंदिर के आसपास ही रहना शुरू कर देते हैं। नियर द टेम्पल्स, जो रहते हैं आसपास रहते हैं और आने वाले जो पिलग्रिम्स हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं, कि जो पिलग्रिम्स हैं जो यात्री आ रहे हैं उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। दे ग्रू टेम्पल टाउन्स, इस प्रकार जो टेम्पल के आसपास रहने लगे तो उनसे टाउन ग्रो हो गए। टाउन एम्ब्रेज अराउंड टेम्पल सच एज ए दोज ऑफ भिला स्वामी, तो हम ऐसे ही एग्जाम्पल पढ़ते हैं यहाँ कि किस प्रकार मंदिरों के आसपास जो शहर बसे थे वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है भिल स्वामिनी, कौन सा है? भिल स्वामिन कौन या विदिशा, भिल स्वामिन या विदिशा, ये मध्य प्रदेश के अंदर है फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा। सेकंड सोमनाथ जो टेम्पल है वो गुजरात के अंदर है। फर्स्ट हमने एमपी में एग्जाम्पल, क्या नाम था एमपी के मंदिर का? भिल स्वामिन या विदिशा। सेकेंड सोमनाथ गुजरात के अंदर, तो इस प्रकार सेकेंड। थर्ड इज कंचीपुरम एंड मदुरई तमिलनाडु, ये दो तमिलनाडु के अंदर हैं। एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश है। तो ये जो मेन मेन शहर हैं, सिटीज़ हैं, टाउन हैं, ये किसके कारण फेमस हैं? मंदिरों के कारण फेमस है। पिलग्रिम इज सेंटर आल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप, शहरों के आसपास से तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे विकसित हुए, जैसे वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर, तिरुमलाई तमिलनाडु के अंदर, टू सच टाउन, इस प्रकार के जो दो एग्जाम्पल है ये ऐसे ही टाउन है। अब तीसरा जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, अजमेर राजस्थान के अंदर वाज द कैपिटल ऑफ द चौहान किंग, जो चौहान के राजा थे 12th century में, तब उनकी कैपिटल थी, राजधानी थी अजमेर राजस्थान के अंदर। द लेटर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर नंबर ऑफ मुगल, लेकिन बाद में मुगलों के अधीन इसको सूबा हेडक्वार्टर के नाम से जाना गया, किसको? अजमेर शहर को। इट प्रोवाइड्स एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एक्सिटेंस, इस प्रकार जो अजमेर शहर है वो एक अच्छा उदाहरण है नगर धार्मिक सह अस्तित्व का, यानी कि जो रिलीजियस को एक्सिस्टेंस है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है अजमेर के अंदर, जो ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती है, सेलिब्रेट सूफी संत जो हैं उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। सूफी संतों के बारे में हम चैप्टर 8 में डिटेल से रीड करेंगे। हु सेटल्ड देयर इन द 12th century, तो 12वीं सेंचुरी में जो यहाँ पर स्थापित की गई थी। अट्रैक्टिव डिवोटेड फ्रॉम ऑल क्रीड्स, सभी धर्मों के लोगों को, श्रद्धालुओं के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। नियर अजमेर जी लेक, अजमेर शहर के आसपास एक झील है जिसका नाम है पुष्कर लेक, विच हैज अट्रैक्ट पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम, पुराने समय से ही तीर्थ यात्रियों के लिए यह अच्छा स्थान है। नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन, यानी कि छोटे जो शहर हैं उनका जो नेटवर्क है वो किस प्रकार था, किस प्रकार वो जो छोटे शहर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ्रॉम 8th century ऑनवर्ड द सब कंटिनेंट वॉज डोटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन, जैसे हमने मैप पे देखा था कि जो 8th century से लेकर हमारे उपमहाद्वीप के अंदर छोटे छोटे नगरों का जाल सा बिछ गया था। दे प्रोबेबली एमरेज फ्रॉम लार्ज विलेज, इन शहरों के अंदर बड़े बड़े गांव को भी ला गया था, बड़े बड़े गांव भी स्थापित किए गए थे। दे यूजली हैड ए
मंडपिका और मंडी फॉर्म लेटर। पहले जो एक जो स्थान होता था जहाँ ग्रेन को सील करते थे तो उसको मंडपिका बोलते थे, आज उसे बाद में मंडी के नाम से जाना जाता है। टू विच नियर बाई विलेजर ब्रोड देयर प्रोड्यूस टू सेल, यानी कि वहाँ पर जो गांव के लोग थे वो अपने अनाज को या जो भी प्रोडक्ट उनके पास होता था वो बेचने के लिए आते थे। दे आल्सो हैड टू मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड, लेकिन उस मार्केट की जो गलियाँ होती थी उन गलियों को हट्टा या हॉट के नाम से जाना जाता था, हॉट बोलते थे। विद शॉप, जहाँ आप बहुत सारी दुकानें एक दूसरे से जुड़ी है। बिसाइड देयर वर स्ट्रीट फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिसियन सच एज पोर्टर, उन अलग अलग बाजार की जो गलियाँ हैं अलग अलग आर्टिसियन रहते हैं, पोर्टर रहते हैं, कुमार रहते हैं, ऑयल प्रेसर तेल निकालने वाले रहते हैं, शुगर मेकर रहते हैं, टोडी मेकर ताड़ी मेकर भी रहते हैं, स्मिथ सुनार भी रहते हैं, स्टोन मैंसन यानी पत्थरों की कलाकारी करने वाले भी, पत्थर तोड़ने वाले भी वहाँ पर रहते हैं। जो मेन टाउन की बात कर रहे हैं, शहर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर रहते थे। वाइल सम ट्रेडर लिव्ड इन द टाउन, जबकि कुछ व्यापारी शहरों के अंदर रहते थे, कस्बों के अंदर रहते थे। अदर ट्रैवलर फ्रॉम टाउन टू टाउन, और लेकिन कुछ व्यापारी ट्रैवल करते रहते थे, यात्रा करते थे एक शहर से दूसरे शहर में। मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर, कई बार वो बहुत दूर चले जाते थे नियर, और कई बार वो बहुत नज़दीक होते थे। टू दीज टाउन टू बाई लोकल आर्टिकल, जो अपनी लोकल जो चीज़ें होती थी उनको खरीदते थे वे और बेचते थे। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस प्लेस लाइक्स, कौन कौन सी चीज़ों को, हॉर्सेज, साल्ट, कपूर, सेफ्रॉन, बेटल नट्स, स्पाइस लाइक पेपर। तो इस प्रकार घोड़ों का व्यापार करते थे जो ट्रेडर होते थे, नमक, कपूर, केसर, पान, सुफारी और जो मसाले होते हैं उनको बेचने के लिए आते थे। इस प्रकार ये जो नेटवर्क है वो स्मॉल टाउन का, ये यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है। जो ट्रेडर्स हैं एक दूसरे, कोई खरीद रहा है, कोई यहाँ पर बेच रहा है। नेक्स्ट, यूजुअली ये सामंत, जो सामंत होते थे इन्हें लेटर टाइम बाद में जिसको हम जमींदार के नाम से, ब्यूल्ट ए फोर्टिफाइड पैलेसेज ऑन नियर दिस टाउन, इन कस्बों के आसपास वो किले बनाते थे। दे लेवी टैक्स ऑन ट्रेडर, वो टैक्स लेते थे ट्रेडर से, आर्टिसियन से, आर्टिकल ऑफ ट्रेड्स, एंड समटाइम डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्स टू लोकल टेम्पल। तो इस प्रकार जो शिल्पकार थे या उनके व्यापार की वस्तुओं पर जो कर लगाए जाते थे, कभी कभी इन्हीं करों को इकट्ठा करने का अधिकार वहाँ के जो टेम्पल होते थे, टेम्पल जो मंदिर के अथॉरिटी होती थी, वो अधिकार टैक्स करने का, इकट्ठा करने का अधिकार अथॉरिटी को दिया जाता था। विच हैड बीन बिल्ड बाय देमसेल्व बाय रिच मर्चेंट, जो बड़े बड़े रिच व्यापारी होते थे उनके द्वारा क्या बनाए जाते थे, टेम्पल बनाए जाते थे। दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस दैट हैव सर्वाइव टू दिस डे। तो इस प्रकार जो अधिकारों का उल्लेख इंस्क्रिप्शन में, अभिलेखों में किया गया है, वो आज भी इस प्रकार के कर पाए जाते हैं। तो टैक्स ऑन मार्केट, कौन कौन से टैक्स थे, द फॉलोइंग इज समरी फ्रॉम 10th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम राजस्थान विच लिस्ट द ड्यू दैट वर वी कलेक्टेड बाई टेम्पल अथॉरिटीज। तो कुछ इस प्रकार के टैक्स हैं जिनको इकट्ठा करने का अधिकार किसको दिया गया था, टेम्पल अथॉरिटी को दिया गया था। देयर वर टैक्सेस इन शुगर एंड जैगरी, शक्कर पर, गुड़ पर, डाई पर, थ्रेड पर, कॉटन पर, कोकोनट पर, साल्ट पर, अरेका नट्स पर, बटर पर, सीसेम ऑयल पर और क्लॉथ पर। ये इन सब चीज़ों पर जो टैक्स लगाए जाते थे वो अथॉरिटी ऑफ द टेम्पल के द्वारा लगाए जाते थे। बिसाइड देयर वर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स, ऑन डिस्टिलर्स, ऑन ऑयल्स, ऑन कैटर फोडर्स, ऑन लॉर्ड ऑफ ग्रेन। तो इस प्रकार जो व्यापारियों पर भी, धातु की चीज़ें बेचने वालों पर भी, तेल निकालने वालों पर भी, पशु के चारों पर भी और अनाज के बोरों पर भी क्या लगाया जाता था, लोड ऑफ ग्रेन, अनाज के जो बोरे होते थे उन पर भी टैक्स लगाया जाता था। तो ये इस प्रकार की कुछ चीज़ें थी जो जिन पर टैक्स लगाए जाते थे। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है।